हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज और उनका गौरवशाली इतिहास हमेशा हमारे अंदर स्वाभिमान, शक्ति और गर्व की भावनाओं को भर देता है। और इसी गौरवशाली इतिहास की गाथा में एक ऐसा नाम था जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मावड़ा सरदार कोंडाजी फर्जंद, जिन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया, जिनके शौर्य, बलिदान और स्वामीनिष्ठा के बारे में जितना भी कहा जाए लिखा जाए उतना कम है। जिस पन्हाड़ा किले पर आदिल शाह का कब्जा था, जहां पर हजारों की संख्या में सैनिक थे, जहां की जनता पर, खास करके महिलाओं पर आदिल शाह के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे, और इसीलिए इस किले को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। ऐसे इस असंभव कार्य की जिम्मेदारी शिवाजी महाराज जी ने सरदार कोंडाजी फर्जंद को दी। और आपको विश्वास नहीं होगा, उन्होंने केवल 60 मावड़ाओं को साथ में लेकर, 60 योद्धाओं को साथ में लेकर किस प्रकार से इस पन्हाड़ा किले को जीता, कैसे वहां पर जो हजारों की संख्या में सैनिक थे उनको मौत के घाट उतारा, उनके इस अदम्य, अद्भुत ऐसे शौर्य और पराक्रम की कहानी है फर्जंद। फर्जंद 1 जून 2018 को ही रिलीज हुई थी, लेकिन मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ इसका देरी से रिव्यू देने के लिए। इस फिल्म की सबसे खास बात है कि इसमें जितना हो सके प्रामाणिकता से और ससम्मान इस गौरवशाली इतिहास को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। फिल्म में जगह जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए नैतिक मूल्यों का महत्व क्या था, उनका नेतृत्व, इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो किस प्रकार से हमेशा चिंतित रहते थे, ये सारी बातें फिल्म में दिखाई गई है। इसके अलावा उनकी जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध ऐसी युद्ध रणनीति है, गनीमी कावा, गोरिल्ला वॉरफेयर, उसके बारे में भी फिल्म में बताया गया है। और इसी युद्ध रणनीति का उपयोग करके सरदार कोंडाजी फर्जंद ने केवल 60 योद्धाओं के साथ में पन्हाड़ा किले को जीत कर दिखाया था। इसके साथ ही शिवाजी महाराज किस प्रकार से इन सभी सरदारों को, योद्धाओं को अपने बंधु और सखा की तरह मानते थे और उनका ध्यान रखते थे, मातोश्री, जीजा माता जी भी कैसे इन सभी मावड़ाओं को अपने बेटे की तरह मानती थी और उनके मंगल कामना के लिए हमेशा प्रार्थना करती रहती थी, हमेशा उनकी चिंता उन्हें सताती रहती थी, ये सभी बातें फिल्म हमें सच में बहुत भावुक कर देती है। कास्टिंग की अगर बात करें तो अंकित मोहन एज फर्जंद मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावी और परफेक्ट लगे। पूरी फिल्म में चाहे वो एक्शन सीन्स के समय एक स्वामी भक्त की तरह या फिर नेतृत्व करते समय, हर जगह पर उन्होंने इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दिया है। बहिर्जी नाइक, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के गुप्तचर विभाग के प्रमुख थे, उनको भी फिल्म में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रसाद ओक जी ने भी इस कैरेक्टर को पूरी तरीके से न्याय देने की कोशिश की है। ऐसे ही कई जाने अनजाने ऐतिहासिक शूरवीरों के बारे में इस फिल्म के जरिए हमें पता चलता है। शिवाजी महाराज के रोल के लिए चिन्मय मंडलेकर की जगह कोई और होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, ऐसा मुझे लगता है। बाकी उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बस वो और बेहतर हो सकता था, इतना ही मैं कहूँगा। अगर बात करें हम डायरेक्शन की, तो डायरेक्टर ने सभी योद्धाओं का बलिदान, उनकी स्वामीनिष्ठा, शिवाजी महाराज जी का उनके प्रति का प्रेम, ऐसी बहुत सारी बातों को कवर करने की कोशिश की है। लेकिन कुछ जगह पर ये फिल्म हमें बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो गई है, ऐसा लगने लगता है। फिल्म को जो कॉमिक टच दिया गया है उसको भी कम करना चाहिए था। इन बातों की वजह से कुछ जगह पर ये फिल्म हमें थोड़ी सी स्लो लगने लगती है। हाँ, लेकिन फिल्म के डायलॉग्स, उसका उद्देश्य बहुत प्रामाणिक है, इसमें कोई शक नहीं। अगर फर्जंद ये फिल्म कहीं पर कम पड़ती है तो वो है स्पेशल इफेक्ट्स और बजट पर। कोई बात नहीं, अगर ये फिल्म पैसे कमाएगी तो ही अगली बार इससे ज़्यादा अच्छे बजट के साथ में फिल्म मेकर्स इस प्रकार के ऐतिहासिक विषयों के ऊपर फिल्म बनाने की हिम्मत करेंगे। और इसीलिए इस फिल्म के प्रामाणिक प्रयत्न के लिए आपको इस फिल्म को जरूर जरूर देखना चाहिए। हिंदवी स्वराज्य के लिए, इस पावन भारत भूमि के सम्मान के लिए सरदार कोंडाजी फर्जंद जैसे अनगिनत योद्धाओं ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था, उन सभी महान योद्धाओं के लिए ये फिल्म आपको जरूर जरूर देखनी चाहिए। सरदार कोंडाजी फर्जंद तानाजी मालुसरे जी के शिष्य थे, और ये बहुत खुशी की बात है कि अगले साल अजय देवगन जी तानाजी मालुसरे जी के जीवन पर फिल्म लेकर के आ रहे हैं, और वो फिल्म हिंदी में रहेगी, इसलिए ये स्वर्णिम इतिहास देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज्य के लिए जो युद्ध लड़े थे, साथ में ही उनके सभी सरदारों ने जितने भी युद्ध लड़े थे, उन सभी युद्धों पर एक एक बाहुबली जैसी या 300 जैसी फिल्म बन सकती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में ऐसे ही बिग बजट के साथ में इस गौरवशाली इतिहास पर ढेर सारी फिल्में बनाई जाएंगी। मैं फर्जंद इस फिल्म को दूंगा 7.5/10 stars। दोस्तों, अगर आपने फिल्म देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे अपने नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।